खबर रीवा से है, जहां जिला कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में परीक्षा परिणामों की समीक्षा की। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में परीक्षा परिणामों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि चालू शैक्षणिक सत्र में जिले में हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 70% से कम न हो, इसलिए सभी प्राचार्य कार्य योजना अनुसार अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय समय पर संचालित हों, शिक्षक नियमित कक्षाएं लें तथा छात्रों की 100% उपस्थित हो। कलेक्टर ने मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम कम आए हैं वहां कक्षाओं का सही ढंग से संचालन हो, शिक्षक व्यक्तिगत विद्यार्थियों से संवाद व संपर्क करें तथा उसकी समस्या दूर करते हुए बेहतर परिणाम के लिए तत्पर रहें। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि शिक्षकों की नियमानुसार नियुक्ति करें तथा योग्य शिक्षक रखें, इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत या लापरवाही शामिल नहीं होगी। कलेक्टर ने गत परीक्षा परिणाम की समीक्षा के दौरान जिले का हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल का रिजल्ट प्रदेश के औसत रिजल्ट से भी कम रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा 10% से कम परीक्षा परिणाम वाले 6 विद्यालयों के प्राचार्यों को निलंबित करने तथा गंगेव, सिरमौर, त्यौथर एवं जवाहर के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव कमिश्नर रीवा को प्रेषित किए जाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए तथा कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति न दी जाए। उन्होंने कहा कि 90% से अधिक रिजल्ट वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि अच्छा परिणाम वाले विद्यालयों के प्राचार्यों के अनुभव व कार्य योजना को कम परिणाम वाले विद्यालयों से संवाद कराकर प्रेरित किए जाने हेतु कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएं, जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है। कलेक्टर ने वर्ष 2022-23 व 23-24 की छात्रवृत्ति को 100% वितरण आगामी 30 दिनों में किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने इस हेतु स्कूल में आधार कैंप लगाने की भी बात कही तथा प्राचार्यों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को बैंक से संबंधित सभी डिटेल बताएं तथा KYC कराएं ताकि संबंधितों को छात्रवृत्ति अनिवार्य मिल सके। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सौरभ सोनवाड़े ने आगामी 3 दिन में 100% पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 जुलाई तक विद्यालयों में वृक्षारोपण किए जाने तथा पर्यटन क्विज में अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया है। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता समस्त BO तथा प्राचार्य उपस्थित रहे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।